दोस्तों यूं तो हाई कोर्ट क्रिमिनल केसेस से डील करते वक्त कुछ इनहेरिटेंट पावर एंजॉय करती है। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि वो किसी भी केस में अगर उसे ये उचित लगता है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है या फिर अदरवाइज किसी भी तरीके से एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए कोई ऑर्डर पास करने की ज़रूरत है, तो वो पुराने सीआरपीसी के सेक्शन 482 में और नए बीएनएसएस के सेक्शन 528 में एम्पावर्ड होती है कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए जो एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है। पर हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन मैटर ऑफ अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये हेल्ड किया कि वाइल डीलिंग विथ बेल एप्लीकेशन और वाइल रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन, हाई कोर्ट कैन नॉट ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम एनी पुलिस टू सीबीआई। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हाई कोर्ट में कोई भी केस कब आता है? तो हाई कोर्ट में कोई भी केस तब आता है जब कोई पार्टी किसी ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। किसी भी सेक्शन में हो सकता है, वो अपील के फॉर्म में हो सकता है, वो इंटरिम एप्लीकेशंस को चैलेंज किया जाता है, उन्हें चुनौती दी जाती है, रिवीजन फाइल की जाती है उस फॉर्म में हो सकता है, या 482 फाइल की जा सकती है उस फॉर्म में हो सकता है, या कोई बेल एप्लीकेशन या किसी भी तरीके से कोई ऑर्डर को चुनौती दी जाती है, तब हाईकोर्ट के सामने कोई केस आता है। या फिर कोई ऐसा केस जिसमें हाईकोर्ट न्यूज़पेपर पढ़ के स्वयं से संज्ञान ले ले, तो उनके पास कोई केस आ सकता है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ऑर्डिनरीली इन्वेस्टिगेशन को खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो चैलेंज करेगी नहीं, जो आरोपी जो एक्यूज उसमें होगा वो भी इन्वेस्टिगेशन को अगर उसमें कोई डिफॉल्ट रहा है तो उसे चैलेंज करेगा नहीं। और अक्सर विक्टिम या पीड़ित वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो इतना नॉलेजेबल नहीं होता कि उसे पता हो कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी चेंज करने की जरूरत है, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को चेंज भी करा सकता है। इस बात का नॉलेज कभी भी विक्टिम को नहीं होता है ना? तो जब हाई कोर्ट के सामने चाहे वो बेल एप्लीकेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी रिवीजन के फॉर्म में हो या 482 के फॉर्म में हो, जब हाई कोर्ट के पास में कोई इंफॉर्मेशन आएगी, कोई केस आएगा, तभी तो वो उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करेगी। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते वक्त या बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते वक्त हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या इस प्रकार से जो हाई कोर्ट के पास में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी या यूं कहा जाए 528 ऑफ बीएनएसएस जो इनहेरेंट पावर है उसे कर्टल नहीं किया गया है, इस आदेश से हाई कोर्ट पावरलेस नहीं हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।